नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो दोस्तों ये जो वीडियो है यह है एसिडिटी के बारे में, और इसको डिमांड करा था बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पिछली लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पे और जनता की पुरजोर ख्वाहिश के ऊपर ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और ये जो वीडियो है ये एसिडिटी के बारे में है। तो दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जहां तक एसिडिटी की बात है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं एसिडिटी इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरी मानव जाति के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉमन पाए जाने वाली समस्या है। ये इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी कॉमन है। कई लोगों को एसिडिटी होती है पर उनको उनके लक्षण के बारे में ही पता नहीं होता, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर एसिडिटी को जानना है तो एसिडिटी एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है उस पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होती है एसिडिटी। अब जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एसिडिटी मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ जाना। अब ये बॉडी के अंदर कहाँ पे एसिड पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आमतौर पे एसिड पाया जाता है दोस्तों स्टोमक के अंदर। स्टोमक मतलब हमारा अमाशय है, जहां पे खाना जाके इकट्ठा होता है। हम खाना खाते हैं, ये इसोफेगस है, और इसोफेगस के नीचे स्टोमक होता है जहां पे हमारा खाना जाके कुछ समय के लिए स्टोर होता है, ताकि वो गैस्ट्रिक स्टोमक से निकलने वाले जूसेस के साथ मिल सके। उन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस का एक पार्ट होता है एसिड। और प्रैक्टिकली दोस्तों हमारे पेट के अंदर वाकई में एसिड पाया जाता है, हमारे स्टमक के अंदर वाकई में एसिड होता है, जिसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रैक्टिकली पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर, है ना। अब ये क्या होता है, अब आप लोग बोलोगे कि हमारे पेट में स्टमक में एसिड क्यों होता है, मतलब कुदरत ने हमको क्यों इतनी खतरनाक चीज हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर ही दिया। दोस्तों इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक डाइजेशन की प्रोसेस में एक टेक्निकल काम होता है, कि क्योंकि अब आप लोग सब जानते हैं एसिड के अंदर चीजें घुल जाती हैं बड़ी आसानी से। जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना रहता है ओर से, है ना, जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, मतलब जो खनिज खदानों से जब मेटल को निकाला जाता है, तो उस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए वो लोग एसिड में डाल देते हैं, जिससे उसकी सारी इम्प्यूरिटीज घुल के अलग हो जाती है और मेटल अलग हो जाता है। तो एसिड की जो एसिडिटी होती है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करती है चीजों के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रे फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें हमारी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होती है। और जो हमारे पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एसिड होता है वो एसिड करता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने में, इनके डिसइंटीग्रेशन का काम करता है, इनको चेंज करता है सिंपल मॉलिक्यूल में, सो दैट वो सिंपल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी जो होती है वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले और यूटिलाइज करे, है ना। तो दोस्तों और ज्यादा समझने के लिए हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये हमारी पहली स्क्रीन है कि यहां पे व्हाट टू नो अबाउट हाई स्टोमक एसिड, या एसिडिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, कि एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है। तो ये यहां पे अगर हम इसके ऊपर जाएं तो यहां पे हमको ये देखना है मेन चीज कि योर स्टमक जॉब इज टू हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट। वन वे दैट इट डज This is through the use of the stomach acid. मतलब हमारे पेट का जॉब क्या होता है कि जो हम खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारे पेट का काम होता है उस खाई हुई चीज को पचाना, डाइजेस्ट करना, है ना। और ये काम स्टमक करता है स्टमक एसिड के थ्रू, ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रिक एसिड। द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टमक एसिड इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में जो एसिड होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक नेचुरली सिक्रीट्स द स्टोमक एसिड। जो आपकी स्टमक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो नेचुरली इसको सिक्रीट करते हैं। दिस सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ हार्मोन्स एंड योर नर्वस सिस्टम। अब ये कितना सिक्रीट होगा एसिड, ये कैसे कंट्रोल होता है, कुछ हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। कई बार यूअर स्टमक कैन प्रोड्यूस टू मच स्टमक एसिड
विच कैन लीड टू द सेवरल अनप्लीजेंट सिम्टम्स। आप मेरी बात समझे कि हमारा जो एसिड होता है वो नॉर्मल कंपोनेंट है, स्टमक की लाइनिंग से कुछ सेल्स होती हैं जो एसिड को निकालती हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है, पर कई बार किन्हीं कारण से, अब इसको कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर कौन से बताएं, कुछ हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है दोस्तों, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, वो हार्मोन इनका इसका सिक्रीशन कंट्रोल करता है, प्लस नर्वस सिस्टम। और कई बार इन दोनों की गड़बड़ी के कारण ये एसिड का सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा होता है दोस्तों, तब भी हमको एसिडिटी नहीं होती। एसिडिटी क्यों होती है हम आगे समझेंगे, है ना। तो ये दोस्तों हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी की परिभाषा समझी हमने मोटे तौर पे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे से बैक आऊंगा और बैक आने के बाद मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा एसिडिटी की, है ना, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी आप ये वाली इमेज देखिए, आप प्लीज देख पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे को थोड़ा इस विंडो को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में अब आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक का ये जो एंड है ये जुड़ा रहता है इसोफेगस से। आप मेरे इस कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये इसोफेगस यहाँ पे ऊपर है अन्न नली, ठीक है ना, अन्न नली जाके जुड़ती है ये इसोफेगस से, अन्न नली जुड़ती है स्टोमक से, सॉरी, है ना। ये हमारा स्टोमक है, अमाशय, और ये हमारी डियोडिनम है। ये हेल्दी स्टोमक के अंदर इस तरह का दिखता है, और जो एसिडिटी वाला स्टमक होता है, एसिडिटी वाले लोग होते हैं, अभी हम इस पूरी की पूरी पैथोलॉजी को आगे की स्लाइड में समझेंगे, है ना। तो दोस्तों अब मेन बात पे आते हैं कि भाई हमने ये आपको बताया कि भाई स्टमक में तो एसिड होता ही है, अब ये एसिड एसिडिटी के रूप में कब बदलता है, ये जो एसिड पेट में पड़ा है ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है दोस्तों। ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट करेगा, पहली चीज, जब तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, और ज्यादा होने से भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हमारा अन्न नली और स्टमक के बीच में वॉल्व होता है, एक स्फिंक्टर होता है, जो स्फिंक्टर सिर्फ तब खुलता है जब या तो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वो जैसे ही उसके अंदर से चीज पास आउट हुई वो वॉल्व क्या है, ऐसे बंद हो जाता है। तो जो नीचे स्टमक का एसिड है वो स्टमक में ही रहता है, ऊपर नहीं आता है, पर इन सर्टेन कंडीशन ये जो वॉल्व होता है इसकी कॉम्पिटेंसी बेकार हो जाती है। कॉम्पिटेंसी मतलब ये पूरी तरह से या तो बंद ना हो रहा होता है, या तो ये खराब हो जाता है, या तो फिर ये बार बार अपने आप ओपन होता है, और इस वजह से नीचे जो स्टमक में एसिड है ना वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्स मतलब छलकता है, और यही गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स एसिडिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। जो मेरे पेट में स्टमक है अगर ये वॉल्व बंद रहेगा तो वो नीचे ही रहेगा, मेरे को एसिडिटी नहीं फील होगी, पर ये वॉल्व के फ्रिक्वेंटली खुलने या फिर इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर खराब हो जाने की वजह से ये जो मेरे पेट में एसिड है ना ये बार बार ऊपर की तरफ छलकेगा और मेरे को इसोफेगस के लोअर एंड पे यहाँ पे जलन पैदा करेगा, और यही जलन कहलाती है व्हाट इज नोन एज द एसिडिटी। इसी को बोलते हैं एसिडिटी। इसके और कई पर्यायवाची हैं, कुछ और सिनोनिम्स हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम पैथोलॉजिकली इसका क्या कारण होता है उस कारण की हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इसके डेफिनेशन पे ही सीधे सीधे जाते हैं। अब आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, वॉट इज एसिड रिफ्लक्स डिजीज। अब ये एसिडिटी के पेशेंट की प्रॉब्लम एसिड नहीं है स्टमक में, एसिड तो सबको होता है, बट इसकी प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द एसिड प्रोडक्शन इन एक्सेस इन द स्टमक। वो तो है ही दिक्कत, जरूरत से ज्यादा एसिड बन रहा है वो तो है ही दिक्कत, पर तब भी ये एसिडिटी पैदा नहीं करेगा। ये एसिडिटी सिर्फ तभी पैदा करेगा जब इसका रिफ्लिक्स होगा ऊपर से, और उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लिक्स डिजीज। और गैस्ट्रिक रिफ्लिक्स डिजीज जब तक ये चीज नहीं पैदा होगी तब तक एक बंदे को प्रैक्टिकल एसिडिटी हार्ट बर्न के रूप में, हार्ट बर्न बोलते हैं ना, हार्ट मतलब क्योंकि ये तो हो गया एब्डोमेन, अब यहाँ पे आ जाता है हार्ट, यहीं पे होता है एसोफेगस, जब ये ऊपर की तरफ छलकेगा तो ऐसा लगता है जैसे कि छाती में आग लग गई हो, चेस्ट में आग लग गई हो, स्टमक में आग लग गई हो, इसलिए उसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। तो आइए हम जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं, वॉट इज एसिड रिफ्लिक्स डिजीज। ओके, एट द एंट्रेंस ऑफ यूर स्टमक इज अ वॉल्व,
आपके एंट्रेंस स्टमक के एंट्रेंस पे एक वॉल्व होता है विच इज द रिंग ऑफ द मसल कॉर लोअर कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। वो एक मसल की रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। कहां पे है ये रहा, ये जो है ना ये स्पिंक्टर बताया जा रहा है, जो दो नीले आपको निशान दिख रहे हैं इसको बोलते हैं। ये एक मसल की रिंग भर होती है और ये एज ए रिंग के रूप में ये वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। नॉर्मली द लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर क्लोजेस एज सून एज द फूड पासेस थ्रू इट। जैसे ही खाना पास होगा ये बंद हो जाएगा। इफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर डज नॉट क्लोजेस ऑल द वे और इफ इट ओपन टू ऑफन, या तो वो अगर ये पूरी तरह से बंद नहीं हो या फिर ये बार बार खुले, तो एसिड प्रोड्यूस्ड इन यूर स्टमक कैन मूव अप इन टू यूर इसोफेगस। और इसी वजह से जो एसिड पेट में था स्टोमक में था वो इसोफेगस तक पूरा रिफ्लेक्स होके मूव होगा। दिस कैन कॉज द सिम्टम्स सच एज द बर्निंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉल्ड हार्ट बर्न। इफ द एसिड रिफ्लक्स सिम्टम हैपन मोर देन ट्वाइस अ वीक यू मे हैव द एसिड रिफ्लक्स डिजीज ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD। तो आप समझे मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये होता है मेन कारण कि भाई स्टमक के अंदर एसिड तो बड़ा नॉर्मल है, स्टमक के अंदर एसिड जब जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो प्लस इसोफेगस और स्टमक के बीच का लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की प्रॉब्लम हो, या तो वो पूरी तरह से बंद ना हो रहा हो या वो बार बार खुलेगा, तो आपको ये पूरा ऊपर की तरफ एसिड जो है रिफ्लेक्स होगा। और ये जो एसिड है अब आपकी इसोफेगस के लोअर एंड के ऊपर इरिटेशन पैदा करेगा, उसी को हम फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग इन द चेस्ट इन द लोअर इसोफेगस, और इसी को हम बोलते हैं हार्ट बर्न। और अगर आपको ट्वाइस अ वीक, वीक में दो बार से ज्यादा एसिडिटी के कांड हो रहे हैं, मतलब महीने में 8 से 10 बार, देन आप पेशेंट हो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के GERD। इसको क्या कहते हैं, GERD। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि इतनी देर में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि एसिडिटी क्या होती है, एसिड क्या होता है, एसिड क्यों होता है, एसिड का काम क्या होता है, एसिडिटी कैसे बनती है, कौन सी पैथोलॉजी होती है एसिडिटी के पीछे, ठीक है ना। पर अब एसिडिटी तो हमने समझी, अब एसिडिटी को अगर आपको कंप्लीट कंबाइन समझना है तो इसके लिए हमको दो टर्म की और स्टडी करनी पड़ेगी जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली आप मैं थोड़ा सा एडवांस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जा रहा हूँ। यह अभी हमने सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा कि एसिडिटी क्या होती है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो देयर आर टू कंडीशन विच आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पेशेंट ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना। वो दो कंडीशंस को भी हमको बाय डेफिनेशन और साइन एंड सिम्टम के समझेंगे तभी हमारा एसिडिटी का टॉपिक कंप्लीट होगा। और वो जो दो कंडीशन है वो है हाइपरक्लोरहाइड्रा एंड हाइपोक्लोरहाइड्रा, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा और क्लोरहाइड्रा मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो क्लोरहाइड्रा मतलब HCl और एक हाइपर मतलब ज्यादा। तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रा, जब जरूरत से ज्यादा HCl सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन होती है हाइपोक्लोरहाइड्रा, क्लोरहाइड्रा मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपो मतलब कम मात्रा में सिक्रीट हो, नॉर्मल एक आदमी में जितना रहता है उससे कम। अब आप बोलोगे कि हाँ यार हाइपरक्लोरहाइड्रा तो हम समझ रहे हैं, इसमें तो एसिडिटी ही होगी, बिल्कुल सही हो आप, एसिडिटी होगी, इसके सिम्टम तो आप बहुत कुछ आप समझ भी पा रहे हो कि क्या होते होंगे, भाई चेस्ट में बर्निंग पड़ना है ना, पेट का फूलना, मुंह के अंदर बार बार वो खट्टा पानी आना, छाती में भयंकर जलन पड़ना, इनो पीने की इच्छा होना। पर दोस्तों मैं आपको हाइपोक्लोरहाइड्रा इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी बंदे के अंदर HCl का प्रोडक्शन नॉर्मल व्यक्ति से कम अगर हो रहा होगा तब भी उसको एसिडिटी होगी, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है यहां बताने का। और अगर आप क्लिनिकल रिपर्टरी पढ़ेंगे, जैसे कि अपनी बोरिक हो गई, आप रॉबिन मर्फी पढ़ेंगे, तो आपको हाइपोक्लोरहाइड्रा के ऊपर भी जनरली मेडिसिन एसिडिटी की ही दिखेंगी, क्योंकि हाइपोक्लोरहाइड्रा के सिम्टम और हाइपरक्लोरहाइड्रा के सिम्टम्स अमूमन एक जैसे ही होते हैं। तो हियर टू नरेट दिस होल पॉइंट, इसका मेरा एजेंडा बस ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम सिर्फ
गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स और हाइपर एसिड बनने के कारण ही नहीं होगी। अगर आपके शरीर के अंदर एसिड कम बनेगा तो भी जो लक्षण होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे किसके जैसे, एसिडिटी, मतलब एसिडिटी के ही लक्षण तब भी आएंगे जब आपका शरीर कम एसिड बनाएगा। और अगर आपका शरीर ज्यादा एसिड बनाएगा, आपका इसोफेगस और स्टमक के बीच का वॉल्व सही नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तब भी लक्षण एसिडिटी के ही आएंगे। तो एज ए डॉक्टर हमको ये चीज को समझना पड़ेगा कि इन दोनों कंडीशन के अंदर फर्क क्या है। तो दोस्तों आइए हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि हाइपरक्लोरहाइड्रा और हाइपोक्लोरहाइड्रा को हम एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज हाइपरक्लोरहाइड्रा, अब आप ये मेरे ख्याल में ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, द रेट ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स अराइजिंग बिफोर द फूड रीचेस द स्टमक, मतलब खाना पेट तक पहुंचता है उसके पहले ही रेट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन्फ्लुएंस होने लगता है। फैक्टर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक, जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है ये सब का सिक्रीशन होने लगता है। द फैक्टर्स इन द डियोडिनम आफ्टर फूड हैज लेट द स्टमक, बेस्ड अपॉन द फैक्टर द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज डिवाइडेड इनटू द सेफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फेस। आप ये चीज समझिए, ठीक है ना, कि अलग अलग फेस के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो अब यहाँ पे जो क्या परिभाषा बताई गई है कि हाइपरक्लोरहाइड्रा इज अ कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन द एसिड इन द स्टमक, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस अमाउंट में स्टमक के अंदर प्रेजेंस होने को हम बोलते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रा। दस अ कंडीशन रिजल्ट इन द गैस्ट्रिक एसिड लेवल दैट आर हायर देन द नॉर्मल रेंज, इस वजह से गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl का प्रेजेंस ऑन द स्टमक वो क्या होता है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है। इट कैन कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिन हार्मोन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में ऐसा हो सकता है। गैस्ट्रिनोमा मतलब कोई अगर आपको पेट का स्टोमक का ट्यूमर है उसके अंदर ऐसा हो सकता है। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये सारी जो कंडीशन है हाइपरक्लोरहाइड्रा की, ये इतनी सारी चीजों के अंदर पैदा होती है, ठीक है ना। तो हमने ये समझा व्हाट इज द हाइपरक्लोरहाइड्रा। अब जल्दी से हम धड़पड़ देख लेते हैं व्हाट इज द हाइपोक्लोरहाइड्रा। अब ये दोस्तों आप अगर ये स्लाइड देख पा रहे हैं कि व्हाट इज हाइपोक्लोरहाइड्रा, यूअर स्टमक हैज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट टू हेल्प टू डाइजेस्ट यूअर फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरहाइड्रा इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय द लो लेवल ऑफ द स्टमक एसिड, कम लेवल, स्टमक एसिड का लेवल कम हो जाने को हाइपोक्लोरहाइड्रा बोलते हैं। योर बॉडी में नॉट बी एबल टू द इनफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ यू हैव द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लैक ऑफ विटामिन्स एंड स्टमक इन्फेक्शन, ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये कम सिक्रीट होता है, ठीक है ना। अबाउट हाइपोक्लोरहाइड्रा, हाइपोक्लोरहाइड्रा हैपन्स वेन यूर स्टमक दिस डज नॉट रिलीज इनफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स यूअर स्टमक ब्रेक डाउन फूड, या आपके स्टमक को फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यूअर बॉडी यूज न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है ना। कॉसेस और रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रा, एज, ठीक है ना, ये एज एक फैक्टर होता है, अबव 65 में जनरली इसका सिक्रीशन कम होता है। हाई स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से ये कम होने लगता है एसिड प्रोडक्शन, लैक ऑफ विटामिन्स, ठीक है ना, एंटी एसिड और कुछ मेडिकेशन के यूज के कारण। और अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रा, फीलिंग लाइक यू वॉन्ट टू ईट इवन वेन यू आर नॉट हंग्री, आपको भूख नहीं भी लगी है ना तो भी आपको ऐसा लगता है कि आई कैन ईट समथिंग, फीलिंग टू फुल आफ्टर रेगुलर मील, ये सब एसिडिटी के ही लक्षण हैं। अगर आप गौर से इन लक्षणों को देखेंगे तो आप ये बिल्कुल हटा दो कि हाइपोक्लोरहाइड्रा के लक्षण हैं, एसिडिटी के भी सेम लक्षण होते हैं। क्या होता है, फीलिंग टू फुल आफ्टर रेगुलर मील, इनडाइजेशन होना, गैस और फ्लेचुलेंस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सोरनेस एंड बर्निंग इन यूर माउथ,
स्टमक अपसेट एंड क्रैम्प, अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टूल, हार्ट बर्न, नोशिया, है ना। तो यहां पे देखिए, मैं आपको ये इसलिए मैंने ये चीज का डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द कंजंक्शन ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रा एंड हाइपरक्लोरहाइड्रा विथ द एसिडिटी, और अब जाके अपनी एसिडिटी की स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई। अब देखिए, इसके साइन एंड सिम्टम आप सब जानते हैं, बड़े साधारण से होते हैं भाई। ये यहाँ पे खाना खाने के कुछ घंटों बाद यहाँ पे आपको चेस्ट में बर्निंग होने लगती है, क्योंकि आपका अंदर का जो एसिड होता है, आपका जो पेट में जो एसिड पड़ा है वो पूरा रिफ्लेक्स होकर ऊपर की तरफ आएगा, तो आपको चेस्ट में बर्निंग होगी, साथ साथ आपका एब्डोमिन का डिस्टेंशन हो जाएगा, पूरा पेट फूलेगा, स्टोमक का डिस्टेंशन होगा। आपको वाकई में ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में आपको डिस्टेंशन फील होगा, है ना। यहाँ पे जलन पड़ेगी, आपको बार बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको सीने में हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है। कई लोग इसके अंदर सीधा इनो पीना पसंद करते हैं, क्योंकि सोडा बाइकार्ब लेने से या फिर सोडा लेने से ये जो एसिडिटी है न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम है एसिडिटी के, और आप सब जानते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली लोगों के अंदर ये पाई जाती है ना। अब इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखो, एलोपैथी के अंदर तो सिर्फ एंटा एसिड और प्रोटॉन पंप इनिबीटर, ठीक है ना, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबीटर, जो रैनिटिडिन, ओमेप्रिजोल, यही दवा देते रहते हैं एलोपैथी वाले, और ये जिंदगी भर खानी पड़ती है, क्योंकि आपने अगर एक दिन ये दवा नहीं खाएंगे ना तो आपको एसिडिटी बढ़ने लगेगी, तो आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुल मिला के बात यह है, होम्योपैथिकली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन विच आई गिव इन द केस ऑफ द एसिडिटी आर, द फर्स्ट वन इज द पल्सेटिला निग्रिकेंस। पल्सेटिला निग्रिकेंस 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में तीन बार, एंड द सेकेंड मेडिसिन इज कार्बो वेजिटेबिलिस 200, कार्बो वेजिटेबिलिस 200, कार्बोवेज 200 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में तीन बार। ये दोनों दवाओं को चार चार गोली दिन भर में तीन बार लेना है आपको, 5 मिनट्स के गैप से या 5 मिनट्स के अंतराल से, और इसको आपको लगातार कुछ समय तक इसका सेवन करना पड़ेगा। अगर आपकी एसिडिटी कुछ दिन की है तो आपको कुछ 4-5 दिन खा लीजिए, अगर आपकी एसिडिटी कई महीनों की है तो कम से कम 1.5-2 हफ्ते आप इलाज करिए, और अगर आपकी एसिडिटी कुछ सालों की है तो कुछ महीने दीजिए। मैं आपको चैलेंज ले रहा हूँ कि 90% से ऊपर लोगों को इन दवाओं का एसिडिटी नाम की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और बहुत ही परमानेंट क्योर मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे ये छोटा सा वीडियो था एसिडिटी के बारे में। बहुत जल्द अगले सैटरडे लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है, और उसके बाद कोई एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर, उसमें आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।